तो आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 12 के जो आपके पोस्ट है, जिसमें आपके एक पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंस के, तो जिसमें आपके फाइनल कट ऑफ क्या रहने के चांस बन सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर आपके फेज 10 की कट ऑफ दिया बताने वाला हूँ, फाइनल कट ऑफ जो क्या कट ऑफ रही थी। तो जैसा कि मैंने डिटेल को ओपन किया हुआ है, क्योंकि इसको आप गूगल पे एसएससी की वेबसाइट पर ढूंढोगे तो आपको बहुत ही मुश्किल से ही आपको डिटेल मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब एसएससी एनआर रीजन में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पे होम वाले सेक्शन में आपको सारी डिटेल मिलेगी, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, मैं आपको पोस्ट आपको बता रहा हूँ, वो पोस्ट है आपके, ये वाली पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट की, जो आपके NR 10/8/22 की पोस्ट है फेज 10 की, जिसमें मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ, जिनका जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनकी कट ऑफ। तो देखो यहाँ पे आपके जो यूआर के कैंडिडेट है, देखो यूआर के आपके कैंडिडेट 1 2 3 4 चार कैंडिडेट है आपके यूआर के, जहाँ पे 176 का आपकी कट ऑफ हुई थी लास्ट, ये कट ऑफ आपकी गई थी 181, जिसमें आपके EWS कैंडिडेट ने इसमें सिलेक्शन ले लिया। समझे, समझ रहे हो? तो ये बात तो आपकी होगी कि आपके यूआर की कट ऑफ फाइनल कितनी गई, 176 गई। और ओबीसी में अगर बात करें तो आपको ओबीसी में गई है 170, और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो आपके 169 आपकी कट ऑफ गई है कैंटीन अटेंडेंस में। तो ये मैं आप जो आपके पेज 10 में बात कर रहा हूँ वो आपके कट ऑफ गई थी। तो अगर हम इसके देखें, जैसे कि इसका हम पोस्ट कोड देखते हैं, इसकी पेज 11 की क्या क्या बोलते हैं, फेज 10 में आपके EBT 1 की क्या कट ऑफ गई थी। ये आपके पोस्ट कोड है NR 10/8/22। आपकी 173 लास्ट, कितनी 173 आपकी कट ऑफ हुई थी यूआर कैटेगरी में। यहाँ पे आपकी गई है 181, कितनी 181, यानी कि 10 नंबर का आपके इंक्रीज देखने को मिला है। तो हम कहाँ पे थे, देखो यहाँ पे जो आपके यूआर के फाइनल कट ऑफ गई है आपके 181, और जो आपकी CBT 1 की कट ऑफ थी आपके 173, 8 नंबर का आपके इंक्रीज हुआ फाइनल कट ऑफ में। ये ऐसा नहीं कि आप कह रहे किसी पोस्ट में आपके 10 या 8 नंबर आपके इंक्रीज हो गए, किसी किसी में आपके 10, 20, 25 भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस पोस्ट में आपके यूआर में 8 नंबर इंक्रीज हुए। और ओबीसी के अगर देखें हम, तो ओबीसी की आपकी गई थी 170, कितनी 170 कट ऑफ गई थी CBT 1 में। और जिसके फाइनल कट ऑफ देखें तो आपके वो आपके 170 यानी कि 3 नंबर का आपके इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि किसी में आप, यानी कि देखो जिनकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा आई हुई है, जैसे कि 165, 170 के आसपास, तो उनमें आपके फाइनल कट ऑफ कम पड़ेगी। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे कोई पोस्ट है जिसमें आपके कट ऑफ गई है कम, 140, 135, तो उसमें आपके नंबर थोड़े ज्यादा फाइनल कट ऑफ के बढ़ने के चांस बन सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया। तो कैंटीन अटेंडेंस में मैं आपको बताया, तो अभी हम देखते हैं, अभी आप जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंटीन अटेंडेंस में आपके कट ऑफ बढ़ने के चांस बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।